उर्वी, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी, पर ये वक्त समझदारी और पेशेंस से काम लेने का है। तुम सम्राट को अच्छी तरह से जानती हो, अगर अगर उसका दिमाग खराब हो गया और उसे तुम्हें मना कर दिया तो इस वक्त तुम्हें सम्राट की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं मानती हूँ नहीं कि सम्राट ने जो कुछ भी किया वो गलत है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह रिएक्ट करने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा, तुम समझ रही हो ना? ईशान, मैं उर्मी को यही समझा रही थी कि इस वक्त समझदारी और पेशेंस से काम लेना बहुत जरूरी है, वरना तुम जाकर संभालो, उसे बहुत डिस्टर्ब है। ईशानम, रियली सॉरी। हम जानते हैं हमें सम्राट को मारना नहीं चाहिए था, पर जिस तरह से उसने शौर के बारे में बात की हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। ईशान, वो इस तरह से हमारे बच्चे के बारे में नहीं बोल सकता। नहीं, मैं समझता हूँ, पर तुम इस बात को समझो कि आज हमें सम्राट की बहुत जरूरत है। इस तरह की कोई भी हरकत बहुत महंगी पड़ सकती है हमें। उनमें वो भड़क जाएगा, तुम जानती हो, उसे सिर्फ एक मौका चाहिए हमें परेशान करने का, हमारी मदद ना करने का। जानते हैं ईशान, लेकिन जो सम्राट नहीं, उर्मी मत भूलो कि शौर्य हमारी टॉप प्रायोरिटी है, राइट? शौर्य, किसी भी कीमत पे कुछ भी करके हमें शौर्य को बचाना है। सम्राट कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईशान, तुम्हारी सम्राट से क्या बात हुई? मान तो जाएगा ना, मना नहीं करेगा ना? वो मान जाएगा ना वो? ईशान, ईशान, तुम्हारी क्या बात हुई बताओ ना। यार, तू यार कितनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मार दिया उसने, सम्राट सिंह राठौड़ को बता। और मैं बता रहा हूँ, मैं ना आपकी वजह से रुक गया, वरना मैच हलाल कर देता तुझे को। मैं बता, सम्राट, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ सोचा तुमने आगे क्या करने वाले हैं? अरे आप देखते जाइए मैं क्या करता हूँ। मैं उसके पूरा चाहती ना कि मैं काम करूँ उसका, वो तो होने से लाभ ये तय है। उसका कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। देखता हूँ क्या करती है वो, बाकी सब भी क्या कर लेता है, देख लेता हूँ मैं। आज मरेगा उसका बच्चा, उसकी मौत की जिम्मेदार होगी खुद वो, और वो खुद उर्मी वस्तु है। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी उसने। अब ये सनकी आदमी अगर उर्मी की बात नहीं मानेगा तो मेरा मेरा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। सम्राट, तुम पागल हो गए क्या? तुम ऐसे नहीं कर सकते। अरे कैसा, क्या क्या नहीं कर सकता? मैं हर चीज कर सकता हूँ भाई साहब। सम्राट सिंह राठौड़ नाम है मेरा, ओके? अपने दिल का राजा हूँ मैं, जो मर्जी आएगा करूंगा मैं, ओके? हाँ, लेकिन ऐसे तो हमारा प्लान चौपट हो जाए। यार मैं गया तो प्लान यार, प्लान टन लगा के। अब तो अपने बाप का देखो, अपना देखो यार, मैं तो थप्पड़ मार के चल गई, प्लान टन की लगी मैं पर। अब तो जो करना करिए अपने प्लान के साथ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे खरीद नहीं लिया, ओके? सम्राट, दिमाग को शांत रखो, समझदारी से काम लो। तुम उर्मी से बदला लेना चाहते हो? अरे लूंगा बदला, देखिए बदला लूंगा मैं। हाँ, देखो, ऑफ कोर्स लो। देखिए बाप, तो उससे बदला लेने का अच्छा तरीका तो ये है कि उसकी बात मानकर उससे बदला लो। उसकी बात मानकर तो तुम उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हो, उसकी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो, है ना? इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है सम्राट? तुमने तो कहा था सपेरा नागिन, मजे लो। तुम मजे लो ना, अपनी ईगो के चक्कर में सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? जवाब तुम उसे देके रहूंगा सासू मम्मा, ये तय है। फिर इससे आपका प्लान बच जाएगा, आप बर्बाद हो। I don't care.
मेरी बेबी डॉल, तुम अब ये नींद की दवा वाला दूध पीना और आराम से सो जाना। 12 घंटे नो डिस्टर्बेंस। तभी बहुत सारा काम है मुझे, बेताल की तरह मेरे कंधे पर सवार होने की जरूरत नहीं है 24 घंटे। अरे पूरी नींद लो, स्वस्थ रहो, पुष्ट पुष्ट रहो। सम्राट अच्छा हुआ तुम मिल गया, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। एक मिनट, क्या बात करनी? माफी मांगनी है? इतनी औकात है आपकी और क्या? पहले तुमको फिर चाटूंगा। तो सम्राट प्लीज बात। देखिए ऐसा है मदर मैडम, ना मैं आसानी से आपकी बात सुनने वाला हूँ ना आपको माफी मिलने वाली है। सम्राट अरे आप अपना क्या, मेरा थूका हुआ चाटेंगे तो भी माफी नहीं मिलेगी आपको। अरे आपके साथ मैं, सम्राट हमने जो भी किया उसके लिए, सुनिए मेरी बात, अगर आपको माफी मांगने का इतना शौक है तो चलिए काम करिए, फिर आज रात ठीक 12 बजे टेरेस पे मिले मुझे, अब वही होगा आपका हिसाब किताब। 12 बजे टेरेस पे? क्यों? माफी चाहिए ना? चाहिए नहीं चाहिए? अब तो वही बात होगी जब आधी रात होगी। आइएगा जरूर।